ओम शांति। समय कब तक रुका है? बाबा की प्रत्यक्षता कब तक रुकी है? इन सब का आधार है हमारी संपन्नता के ऊपर, संपूर्णता के ऊपर। और जब तक हम संपन्न नहीं बन जाते, बाप समान नहीं बन जाते, तब तक समय रुका है, प्रत्यक्षता रुकी है, नई दुनिया का आगमन रुका है। ये सब कुछ हमारे इंतजार में है। ब्राह्मणों का इंतजार समय कर रहा है, ड्रामा कर रहा है कि कब जैसे ये संपूर्ण बन जाएं। बाबा भी अपनी पलकों से हमें पल पल निहार रहा है, यही संकल्प लेकर कि मेरे बच्चे अब बाप समान, मेरे समान बन जाएं। तो सारे पुरुषार्थ का जो एम है वो है बाप समान स्थिति को प्राप्त करना। और जो आत्माएं जितना बाप समान बनेंगी, उतना ही भविष्य में लक्ष्मी नारायण के समान और कई जन्मों तक श्रेष्ठ राज्य, भाग्य और पद प्राप्त करेगी, सर्वस्व से भरपूर हो जाएगी। तो इसलिए इस जीवन का एक ही एम है, बाप समान बनना। और बाप समान बनने के लिए अपना ये लक्ष्य दृढ़ता पूर्वक अपनी बुद्धि में धारण कर लो कि मुझे अब बाप समान बनना है। और बाप समान बनने के लिए क्या करना है? जो हमारे मम्मा बाबा हैं उनके फुट स्टेप पर चलना है। कभी भी मूंझना नहीं है कि क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे होगा, वैसे होगा, कैसे होगा। सिर्फ फॉलो मदर फादर फुट स्टेप, उनके कदमों पर हमें चलते जाना है। जो मम्मा बाबा ने किया वही हमें करना है, जो उन्होंने नहीं किया उससे हमें दूर रहना है, वहाँ से अपने रास्ते को, मन बुद्धि को मोड़ लेना है। तो अब बाप समान कैसे बने? बाप समान बनने के लिए पहला जो स्टेप है वो है इस लक्ष्य को अपने अंदर समा लेना कि मुझे ये बनना है, ऐसा बनना है, संपूर्ण फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना है। बहुत दृढ़ता से कि हमें ऐसा बनना ही है। और दूसरा, बाबा के चरित्रों को बुद्धि में सदा याद रखो, सिर्फ उनकी फोटो को मत देखते रहो, लेकिन चित्र के साथ चरित्र को भी हमें देखना है। चित्र के साथ चरित्र भी हमें याद आए कि बाबा ने क्या क्या किया, उनके चरित्र कैसे थे और हमारे कैसे हैं। और हमें महसूसता की शक्ति द्वारा परिवर्तन करके वैसे ही अपने चरित्र को बनाना है। तो रोज अमृत वेला उठते ही बाप दादा का आह्वान करें कि बाप दादा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे सामने खड़े हैं और उन्होंने मुझे विजय का तिलक दे दिया, विजयी भव, और अपनी हजार भुजाएं, वरदानी भुजाएं मेरे सर के ऊपर रख दी और उनसे अनंत प्रकाश शक्तियां मुझ आत्मा में समाने लगी। और बाबा ने कहा,
बच्चे बाप समान भाव, और मैं आत्मा बाप समान बनती जा रही हूँ। मेरे अंदर सर्व कमी कमजोरियां नष्ट होती जा रही हैं। मैं बाप समान बन रही हूँ। बाबा के वरदानी हस्त से नैनों से उनकी शक्तियां मुझे उनके समान ही शक्तियों और गुणों से भरपूर कर रही है। और ये डेट निर्धारित कर लो कि मुझे एक साल में 6 महीने में बाप समान बनना है, और मैं ऐसी बनने वाली हूँ। बाप समान बनना मेरा निश्चित है। ये ड्रामा में नूंद है, मुझे ऐसा बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं कल पहले भी बाप समान बनी थी और इस कल्प में भी वही रिपीट करना है, होना है, क्योंकि ड्रामा हूबहू चल रहा है, नथिंग न्यू। तो दिन में 3 बार बाबा से बाप समान भव का वरदान लेना है, उनसे शक्तिशाली दृष्टि का अनुभव करना है, उनके वरदानी हस्त को स्वयं के सिर पर अनुभव करना है, और जिसके ऊपर भी बाप दादा का वरदानी हस्त होता है वो सहज ही वरदानी मूर्त बन जाते हैं, वो सहज ही बिना किसी मेहनत के बाबा की सर्व शक्तियों के अंदर वरदानी हस्त के अंदर वैसा बनने की स्पीड उनकी कई गुणा हो जाती है। अर्थात बाप समान भव के वरदान को ग्रहण करना माना उनके समान ही बन जाना। 3 बार ये वरदान लेके फिर बाप दादा को अपने साथ कंबाइन अनुभव करो। बाप दादा मेरा साथी है और सारे प्रश्नों को क्या क्यों कैसे कुछ भी व्यर्थ चिंतन सब कुछ उनके आगे समर्पित कर दो। बस ये सब बाबा का बाबा चला रहा है, वरदानों से भरपूर कर रहा है। मैं निमित बनकर कर्म कर रही हूँ, और इस तरह से बाबा को कंबाइंड अनुभव करके उनसे वरदान लेकर के स्वयं को श्रेष्ठ महान बाप समान आत्मा समझकर इस स्वमान को धारण करके कि जो कुछ बाबा का है, बाबा ने वो सब कुछ मेरे अंदर भर दिया। जब बाप समान भव कहा तो उनकी सारी शक्तियाँ गुण चरित्र विशेषताएँ सब मेरे अंदर भर गई। अब हर कर्म में उनके चरित्र को प्रत्यक्ष करो। जैसा बाबा ने किया वैसा ही उसी कदम पर चलो, उनके कदमों पर पैर रखकर चलो, तो हम बहुत जल्दी बाप समान बन जाएंगे।
बार बार कंपेयर करो, चिंतन करो, बाबा ऐसा करते थे, मैं भी उनके समान हूँ, उनकी उत्तराधिकारी आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, उनके ही समान हूँ, उनकी गद्दी की अधिकारी हूँ। चाहे आप ज्ञान में कभी भी आए, लास्ट में आए हो, शुरू में आए हो, नो मैटर, मैटर यही करता है कि आप में कितनी दृढ़ता और निश्चय है कि मैं ऐसा ही हूँ। आपके अंदर कितनी परिवर्तन शक्ति है उनके चरित्रों को स्वयं में धारण करने की, हम कितना उनको कदम कदम पर फॉलो कर रहे हैं, और वरदान की शक्ति से ये सब कुछ सहज हो जाता है। फॉलो करना, बाप समान बनना, ये गिफ्ट हमें वरदान सहज ही करा देता है। इसलिए साथी को अपने साथ कंबाइंड अनुभव करके उससे वरदान लेकर के उस नशे में, उस निश्चय में, उस लक्ष्य में स्थित होकर चलते चलो, तो बाप समान बनने की स्पीड बहुत गुना बढ़ जाएगी और हम इस संसार में बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। सतयुग बहुत जल्दी हमारी आंखों के सामने होगा और उस सतयुगी दुनिया में हमें राज्य भाग्य का श्रेष्ठ तिलक का वरदान मिल जाएगा। ओम शांति।